हमजा ये लेना है यार, ये लो यार, किसको भी रख लो। कहाँ रखूँ, इधर ही रख दूँ? बस बहुत है यार, ये सही है। तो यार माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, आज जो है ना ठंड की थोड़ी सी लपेट कम हुई हुई है और हवा भी थोड़ी कम चल रही है ठंडी, तो इस वजह से हमने अपने जितने भी तमाम चीज़ें हैं ना उनको एक एक करके धूप लगवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने हीरा और कंदारी बच्चों को खुला हुआ था, अब हमदा ने चेंज कर दिए, बड़े वाला पेयर आ गया। तोतों को भी आज ऊपर ही लिया है और फिंचिस को भी, जिनका हमने दोस्तों कल चेंज करा था। अरे हमदा ये देखो, वो घर में बैठी हुई अपने, नहीं यार धूप से बचने के लिए। हाँ धूप में दोस्तों आज बहुत तेज़ी है, तो हमने सोचा यार जितने भी अपने हमारे पास पेट्स पड़े हुए ना, जितने भी बर्ड्स पेट्स सब कुछ, सबको धूप लगवा दें एक एक करके। हसन, कल जब तुम शाम में गए थे ना अपने पास, एक चीज़ और आई थी। क्या? तुम गए हुए थे, मैंने बड़ी उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ में नहीं आया। कबूतर आया था घर, ठीक। हाँ शाम के टाइम, पहले यहाँ बैठा ऊपर, ठीक है, उसके बाद इस टंकी पे चलाई है, इस टंकी के बाद वो इधर आ गया, इधर आके बैठा। मैंने हाँ मैंने बड़ी छेड़े थी, इधर आ, और वो कबूतर भी दिखाता हूँ का है। कबूतर वगैरह छोड़ दो। अबे भाई वो कबूतर भी दिखाता हूँ का है, इधर आओ, वो देखो सामने, देखो सामने वो बैठा, वहाँ निकला सीधा। अरे हसन इधर आ, इधर आ, इधर जल्दी जल्दी जल्दी, वो देख वो देख वो देख, जल्दी जल्दी वो देख, चील पड़ी है पता नहीं है, देख जाके नीचे। चलो दोस्तों हसन आया तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, मेरे को तो मरी भी लग रही है वैसे। हसन आ जाए फिर पता लगेगा। हाँ क्या हुआ? हाँ बस छोड़ दो, हाथ वॉश करते हुए आना। हाँ क्या हुआ भाई? मरी की चील है, अब ये समझ नहीं आ रहा कैसे मरी है क्या है। बाकी तुमने साइज देखो यार, बड़ी है। अच्छा ये कोई है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफार्मर वगैरह का करंट लगता है, किसी के पास गिरी है, ज्यादा बीमार हुई और उसने रखी है, ये बीमार पड़ी है दोस्तों, और उसने ना अब फेंक दिए लाके ऐसे ही। लेकिन यार कितनी बिग साइज चील है, मैं चाह रहा था करीब से ले आके दिखाता, पर अब मैंने बोला यार छोड़ो पड़े रहने दो, वहाँ पे लाओ दो। तो यार दोस्तों बहुत बिग साइज की चील है, और खैर उसकी किस्मत में नहीं होगा भाई, क्या पता यार वैसे ही मर गई हो या कैसे मरी हो, कुछ पता नहीं चल रहा उसको देखते हुए। बाकी ताज़ा ताज़ा आज ही सुबह किसी ने लाके फेंकी है ये, पहले तो मैं समझा देख के अचानक कि शायद जिंदा है, वो गिरी हुई है बस, लेकिन देखा तो वो मरी हुई है। तो यार दोस्तों अब बारी आई है हमारे छोटे डॉन की, और छोटे डॉन की ले आओ भाई ने भी, काफ़ी टाइम हो गया ने धूप दिलाए हुए छोटे डॉन माशाल्लाह से, और आप लोगों को भी उन्हें काफ़ी टाइम से नहीं दिखाए थे इन लोगों को। तो खैर आज हमने माशाल्लाह से दोस्तों सबको धूप लगवा दी है, दोनों असील भी खोल दिए वहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारे छोटे डॉन। इसके बाद हम दोस्तों सेपराइट को लगा के फिर इनका दाना पानी स्टार्ट कर देते हैं। तो यार दोस्तों काफ़ी देर हो गई है यार हमारी फिंचिस को और तोतों को, तो इन दोनों को मैं नीचे रखने जा रहा हूँ, इनको यार रखते हैं क्योंकि तकरीबन ना आधा घंटा हो गया हमारे को इधर रखे हुए। खैर धूप काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो यार माशाल्लाह से सारे के सारे ना सेट हो गए, धूप लेके काफ़ी सेट हो गए। और तोते मियाँ जो है ना मिट्ठू मियाँ पागल हुए हैं, ये देखें ये मार रहा है मेरे को कब से, ये देखिएगा, ये शुरू करो, ये देखें ये सर फोड़ना शुरू इसने, धूप से पागल हो रहा है ये, तो इसको मैं जल्दी नीचे ले जाता हूँ इससे पहले इसका दिमाग ख़राब हो जाए। तो चलें इसको नीचे रख कर आ जाते हैं। तो यार दोस्तों तोतों को और फिंचिस को रख कर आ गया हूँ नीचे, बहुत देर से थे। बाकी हम जो है ना अपने रैबिट्स के जो बेबीज़ हैं उनको भी मैं ले आया यार, ताकि वो भी थोड़ी सी धूप सेक लें, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लटक ना जाए धूप के अंदर, क्योंकि ज़्यादा सेकने वाले नहीं होते। क्या हो गया? मज़ा तो नहीं, मुझे पता नहीं कुछ और लग रहा,
नहीं नहीं सही है, थोड़ी सी धूप ले लें दोस्तों, फिर इनको भी हम वहाँ पे ले जाके इनकी जगह पे रखते हैं। और बाकी हमारे जो सेपरेट हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी धूप ना इन दोनों ने सीखी है। ये देखें सबसे ज़्यादा, कोई भी नहीं लेट रहा है, ये इतने मज़े से सुकून से रह रहे हैं यहाँ पे। खैर अच्छी बात है दोस्तों, इनकी बीमारियाँ मरती हैं। बाकी हमने आज सबको धूप लगवा दी, अपने जितने भी परिंदे हैं। हाँ भाई आ जाओ, लिया इसको भी आज हम ऊपर सेटअप पे। सेटअप पे तो नहीं लाए अभी, लेकिन दोस्तों धूप लगाने लाए हमारा काला मुर्गा जो है। और हम ना माशाल्लाह से शाइनिंग देख रहे हैं इसकी, जब धूप में आएगा ना अंदर 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 बेटा। चलो यार दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो असील मुर्गा है नया, कितना प्यारा लग रहा है। इसकी शाइनिंग देखो बालों में यार। और यार ये मेरे को ना ऐसा लगता है खतरनाक टाइप का। ये देखो, ये देखना, ये देखो कैसे, ये देखो, ये लगता है वो नहीं होता कि बस हमला करते लड़ाई के दौरान, तो ये वाली चीज़ है। तो यार दोस्तों ये भी धूप ले लें, धूप इसको इसलिए लगाने लाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको नीचे रखे हुए। इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद ना हम इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर ही, जब हम देखेंगे कि हाँ ये प्रॉपर, वैसे तो माशाल्लाह सेट है, लेकिन फिर भी दोस्तों एहतियात के तौर पर हम अभी सेटअप पर नहीं लेके जा रहे इसको, इसलिए धूप लगा के आज भी नीचे ही ले जाएंगे। तो यार दोस्तों 3 पत्ते लिए मैंने पालक के, हमारे जो रैबिट बेबीज़ हैं उनको खिला के चेक कर दें कि वो खा रहे हैं या नहीं। तो चलो भाई आ जाओ, खाओगे तुम लोग ये? खाओ ना, कोई खा भी रहा है? नहीं खा रहा क्या? बुरा लग रहा है? खाया खाया, एक ने खाया। चलो 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 चलो, लो यार इतना क्या शर्मा रहे हो, अपना ही घर समझो। तो यार मैंने डाल तो दिया, अब दोस्तों इनकी मर्जी है ये खाएं ना खाएं, थोड़ा सा डाल के चेक करना था क्योंकि यार ये अब जो है ना फीड नहीं कर रहे, ना जैकी से कर रहे ना जैनी से, वो दोनों इनको फीड तो मतलब हम कराते हैं जैसे जैसे, पर ये कर नहीं रहे और ना इनके पेट फुल हो रहे हैं। तो जंतर अब मैं सोच रहा हूँ इनका स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब इनका ना ये दूध वाले बच्चे नहीं रहे। वो देखें दोस्तों, एक ने हमारा माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया, पूरा माशाल्लाह से खा रहा है। खैर इसको देख के ना ये सारे भी खुद खाएंगे अब। चलो बेटा नीचे है तुम्हारी, बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है इसको मैंने दोस्तों। चलो भाई जाओ अपने रूम में। चलो ये लो भाई तुम्हारा खाना आ गया, खा लो अपनी रोटी। अरे गिर गया है यार। तो यार दोस्तों इसको अभी हम ये रोटी दे रहे हैं क्योंकि यार थोड़ा इसका गला वगैरह हल्का सा जो बोलते हैं ना एक बिल्कुल ख़राबी, तो उस वजह से, और थोड़ा सा ना ठंड में आया हुआ है क्योंकि नई जगह बदली है ना, तो उस वजह से शुरू में हमें नहीं लग रहा था, हमने बोला सेट है, पर हल्का सा मुर्गा आ जाता है इन चीज़ों में। और अभी वैसे ही दोस्तों ठंड चल रही है, तो इन बीमारियों में लाजमी मुर्गे मुर्गियाँ पड़ते हैं यार। तो आप लोग भी केयर करें अपने मुर्गे मुर्गियों की और जितने भी पेट्स हैं उन सबकी। तो चले भाई दोस्तों वापसी सेटअप पर आ गया हूँ मैं। वो देखो क्या, और कर अपना कौन खरगोश के बच्चे क्या कर रहे हैं? अबे दूध पिला रही है तू, ये वो नहीं खा रहे पालक वगैरह, तो इसका मतलब ये पिला रही है, यानी कि यार हमने जो इतने टाइम से मेहनत करी है फजूल थी, खुद ही छोड़ दिया करते। दोस्तों हमने जो इतने टाइम से इनको फीड करवाने की कोशिश करी है हमारी नाकाम गई। नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्तों, उस वक्त छोटे थे मर सकते थे, इसलिए हम उनको सही से फीड करा देते। अब तो ये बड़े हैं, कहीं ना कहीं से मार मुर के खुद निकल जाएंगे। तो खैर वो फीड कराने लिए, अच्छी बात है खुद भी करा रही है, बेहतरीन काम है। अब ये खुद करके ऐसे ही बड़े हो जाएंगे फिर के। तो क्या हुआ वो भाई, इसको हटा यार, क्या कर रहे हो? चलो चलो वो भाई, एक सारे अंदर गए, तुम क्या समझ रहे हो, एक चोच में मर जाएंगे। वो देखो कहाँ लटका हुआ है कोडू, बोलो लटक गया, वो ऊपर चढ़ गया भाई, ख्याल करा कर। देख रहा तुमको यार मारते हुए, अल्लाह की कसम अगर मारते वो तो मार खाते हुए देख रहे हो, तुम भी हटा नहीं रहे उन्हें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय।